मध्य प्रदेश के खातेगांव जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत ओमकारा में 38 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला का भूमि पूजन हुआ। विधायक आशीष शर्मा ने भूमि पूजन किया। इस दौरान बैंक की ऋण वसूली को लेकर विधायक ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई आदेश हमारे तक नहीं पहुंचा है। अगर वसूली का आदेश शासन स्तर पर जारी हुआ होगा तो हम इसे तत्काल निरस्त करवाएंगे। उन्होंने कहा कि वैसे ही कोरोना का संकट चल रहा है, हमारे किसान भाइयों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, इसीलिए किसान के पास पैसा नहीं है और हम प्रयास करेंगे कि इस आदेश को वापस किया जाए। साथ ही 2019 के बीमे में जिन किसानों के नाम छूट गए हैं उनकी सूची हमने जिला कृषि अधिकारी व जिलाधीश के माध्यम से भोपाल पहुंचा दी है और आने वाले दिन में उनका भी निराकरण हो जाएगा। विधायक शर्मा ने सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर कहा कि मौत के मुंह में तो कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश को धकेलने का काम किया था। ऋण माफी का उन्होंने झूठा जाल फैलाया। मात्र उंगली पर गिनने वाले लोगों की कर्ज माफी हुई है, जिनका पूरा वजन हमारी सहकारी संस्थाओं पर पड़ा है, जिसकी वजह से सोसाइटी बर्बाद हो गई है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने जितना लूटना था 1.5 साल में लूट लिया। कमलनाथ के मंत्रियों ने 60-60 लाख में अपनी बंगलों की रंग रोगन और साफ सफाई में खर्च करवा दिए। वहीं बता दें कि विधायक ने मुख्यमंत्री का लाइव प्रसारण भी किसानों के साथ देखा है। कार्यक्रम में 5 किसानों को सांकेतिक रूप से फसल बीमा के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा, गुलाब बाईटाड़ा, राजेश मीना, SDM तिवारी, CO टीना पवार, सुनील प्रजापत मौजूद रहे। देवास से संवाददाता अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। आवाज आई और भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि सरकार के साथ चलोगे तो 5 साल में या तो तुम खुद चुनाव जीत पाओगे बल्कि मध्य प्रदेश का बंटाधार कमलनाथ की सरकार कर देगी, इसलिए जल्दी से छोड़ो। उन्होंने उस सरकार का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और आज फिर से वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। यदि कोई आपसे कहे कि अभी आपने चुनाव लड़के जीते और 2 साल में वापस आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा तो कोई आदमी छोड़ने को तैयार होता है कैसे? लेकिन उन लोगों को ये लगा कि कमलनाथ की सरकार के रहते किसी को तीर्थ यात्रा पे नहीं भेज पाएंगे, कमलनाथ की सरकार के रहते बच्चे बच्चियों को लैपटॉप नहीं दे पाएंगे, कमलनाथ की सरकार के रहते मुआवजा और बीमा नहीं दिला पाएंगे। तो उन्होंने कहा छोड़ो ऐसी सरकार को जो झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, कमलनाथ के मंत्री और विधायकों ने विधानसभा में जब कमलनाथ की सरकार थी तब खड़े होकर कहा कि हम गांव गांव जा रहे हैं, हमसे बेरोजगार पूछ रहे हैं 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता कब से दोगे, हम गांव गांव जा रहे हैं लोग पूछ रहे हैं भजन मंडली का पैसा वापस क्यों बुला लिया। और इसलिए साथियों कमलनाथ की जब सरकार थी तब जो बीमा बटा उसमें हमारे कन्नौज खातेगांव विधानसभा को बीमा नहीं मिला, हार्ड पिपला में बटा, सोनगढ़ में बटा, कांग्रेस के जहां विधायक है वहां पे बटा। ये गुजर साहब बेटा है, मेरे लोगों के मन से एक ही आवाज निकल रही थी कि भगवान ये कमलनाथ से तो शिवराज की सरकार ही अच्छी थी। और इसलिए गांव गांव चौपाल पे बैठा वो व्यक्ति जब प्रार्थना करता था कि अब तीर्थ यात्रा की ट्रेन में कौन बिठा के भेजेगा, 2 लाख का कर्जा का तो कितना, लेकिन 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। तब लोगों को हर समय एक ही बात की याद आती थी, किसी के घर कोई मर जाता था और 5,000 रुपए अंतिम संस्कार के पंचायत वाला देने से मना करता था कि राधे श्याम भैया बनवास वाले बैठे ये फोन करके इनके गांव में कोई कमी हो गई थी तो उन्होंने विधायक जी 5,000 मिलेंगे कि नहीं। तो मैंने कि सरपंच सचिव से पूछो कि उन्होंने तो हाथ ऊंचे कर दिए, मैंने कि भैया नहीं मिले कमलनाथ की सरकार। सज्जन देखिए, मौत के मुंह में तो कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश को धकेलने का काम किया था, सोसाइटियां बर्बाद हो गई, ऋण माफी का झूठा उन्होंने, कर्ज माफी का जाल फैलाया, मात्र उंगली पे गिनने लायक लोगों की कर्ज माफी हुई है और उसका पूरा वजन यदि किसी संस्थाओं पर पड़ा है तो हमारी सहकारी संस्थाओं पर पड़ा है। आज सहकारी संस्थाएं जो शिवराज जी के समय किसानों को उधार खाद देती थी उनकी खाद खरीदने की क्रय शक्ति भी नहीं बची है। और इसलिए जितना लूटने का काम कमलनाथ की सरकार ने 1.5 साल में किया, उनके मंत्रियों ने 60-60 लाख रुपए मात्र अपने बंगलों की साफ सफाई और रंग रोगन पर खर्च करवा दिए। काफिला चलता था मंत्रियों का जिस समय उनके मंत्री रोड पर निकलते थे, आप सोच सकते हैं कि इसी कारण से कहीं न कहीं परमात्मा की भी इच्छा थी कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलना मध्य प्रदेश के हित में नहीं है और इसलिए ये सरकार चले।
देखिए वसूली का आदेश हमारे तक अभी पहुंचा नहीं है, अगर वसूली का आदेश शासन स्तर पर जारी हुआ होगा तो हम उसको निरस्त कराएंगे। इस तरह की मंशा सरकार की बिल्कुल नहीं है। कोरोना का संकट वैसे ही चल रहा है, किसान भाइयों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, आपदा प्रभावित हमारा देवास जिला घोषित हो चुका है, इसलिए किसान के पास पैसा नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त हो। साथ ही साथ हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव, जितने पटवारी हल्के 2019 के बीमा की सर्वे सूची में या भुगतान में छूटे हैं, उन सब की सूची हमने जिला कृषि अधिकारी और जिलाधीश के माध्यम से भोपाल पहुंचवा दी है। आने वाले एक दो दिनों में उनका भी निराकरण हो सके। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.